तो आज हम करेंगे पॉलिटी स्टार्ट, पॉलिटी का पहला चैप्टर, कि पॉलिटी की में जो संविधान है भारत का, उसको बनाने के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो देखेंगे, कि किन आधारों पे जो है औपनिवेशिक काल में जो है हमारा संविधान बनने की चर्चा शुरू हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले वो देखेंगे हम, और उसको भी जो है दो पार्ट में देखा जाता है, ये दो कालखंडों में देखा जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ठीक है, तो ये हमारा पहला ही चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में भी, और वैसे भी पहला ही चैप्टर होता है कि जो संविधान है उसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, जब औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन का आधिपत्य था भारत में। ठीक है, और इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो जो कंपनी का शासन था और एक जो है महाराजा या रानी का शासन था। ठीक है, जो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है भारत का शासन चला गया था, एक उस कालखंड में। ठीक है, तो इसको दो कालखंडों में विभाजित किया जाता है, 1773 से 1858 का, और 1858 से 1947 के बीच में जितने भी एक्ट, जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं, हम उनको दो भागों में विभाजित करेंगे और दो भागों में ही पढ़ेंगे, कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। इसी कड़ी में सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया था, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम भी इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट का था क्योंकि कंपनी को जो है रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया था मुख्य तौर पे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो है मुख्यतः दो तीन बातों का ही जिक्र है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें मुख्य बात क्या है कि जो कोलकाता था वो पश्चिम बंगाल की उस समय ब्रिटिश की राजधानी था, और उसे रेगुलेटिंग करने के लिए जो है कंपनी को वहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना आवश्यक था। तो इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है 1774 में कोलकाता में जो है एक न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में जो है एक न्यायालय की स्थापना की गई, और इस न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को जो है बनाया गया। इस न्यायालय का जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। ठीक है, और इनके साथ साथ जो है तीन अन्य न्यायाधीश थे जो इस न्यायालय में जो है बैठते थे और मामलों को सुनते थे। इससे आगे क्या है, इसमें बंगाल के जो गवर्नर थे उनका पद जो है चेंज कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था, और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, और जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय परिषद का जो है गठन किया गया था, जो है सभी मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता करते थे, सलाह देते थे। और इसके साथ ही एक मुख्य बात ये है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर जो है जो बम्बई का गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था, बम्बई और मद्रास दोनों के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। इसके अंदर ये एक मुख्य पॉइंट है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है बताया गया था। मुख्य रूप से इसमें तीन ही पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 8 साल के बाद एक और अन्य एक्ट आया, जिसे हम कहते हैं 1781 का
एक्ट, और इसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसको सेटलमेंट एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को जो है पूर्ण करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया था, इसीलिए इसको जो है सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर में मुख्य रूप से चार ही बातें जो है थी और इसमें लाई गई थी। मुख्य रूप से क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय से मुक्ति मिल गई थी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी आरोपित नहीं किया जा सकता था। सेकंड इसके अंदर क्या था कि जो कर के मामले थे, ठीक है, और जो कर को वसूलने के मामले थे, कर को वसूलने के मामले को जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है परे कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। इन मामलों में जो है सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती थी, एक मुख्य बात ये थी। और इसके साथ क्या था कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके क्षेत्र के अधीन कोलकाता के सभी वासियों को जो है इसके अधीन कर दिया गया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसमें कोलकाता के सभी वासियों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्रिटिश हो और चाहे वो हिंदू हो, सभी को जो है इस सर्वोच्च न्यायालय इस न्यायालय के अधीन कर दिया गया था, जो 1774 में जो है न्यायालय बनाया गया था। और इसमें एक मुख्य बात क्या थी कि जो हिंदू थे उनको हिंदू के रीति रिवाज के अंतर्गत जो है फैसले सुनाए जाते थे, और जो मुस्लिम थे उनको उसी के हिसाब से, उन्हीं के जो धर्म के हिसाब से फैसले इसके अंदर सुनाए जाते थे। ये 1781 का एक्ट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था। 1781 के एक्ट के बाद जो है 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ये भी एक प्रकार से सेटलमेंट एक्ट ही था। जो 1781 में जो एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में कुछ मुख्य बातें ये थी कि जो व्यापारिक मामले थे और जो राजनीतिक मामले थे उनको जो है पृथक अलग अलग पृथक कर दिया गया था। इट मीन्स अलग अलग कर दिया था। राजनीतिक मामले जो है अलग रूप में देखे जाते थे और व्यापारिक मामले जो है अलग रूप में देखे जाते थे। इसके साथ ही जो व्यापारिक मामलों का एक निर्देशक मंडल था, व्यापारिक मामलों का जो निर्देशक मंडल था और जो राजनीतिक मामलों का नियंत्रण बोर्ड था, इन दोनों की स्थापना की गई थी ताकि दोनों मंडल अलग अलग मामलों को जो है देखें, उन पर विचार करें। जो नियंत्रण बोर्ड था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था क्योंकि ये राजनीतिक मामलों को जो है देखता था। और जो है ये जो व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले थे ये दो प्रकार के मामलों को जो है दो प्रकार के मामलों को के साथ जो है शासन करते, तो इसीलिए इसको द्वैध शासन भी कहा जाता है। द्वैध शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट, इट मीन्स दो अलग अलग प्रकार की बॉडी जो है शासन करेगी, ठीक है। तो इसमें यही था कि जो निर्देशक मंडल था और जो निर्देशक नियंत्रक बोर्ड था वो दोनों अलग अलग जो है शासन करते थे। एक व्यापारिक मामलों को देखता था, दूसरा राजनीतिक मामलों को देखता था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का अधिनियम आया, ठीक है। जो 1786 का अधिनियम था उसमें भी कुछ इसी प्रकार से जो है लाया गया था ताकि जो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसको कुछ शक्तियां प्रदान की जा सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का नया गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने के लिए इस एक्ट को जो है लाया गया था, जो था 1786 का अधिनियम, 1786 का एक्ट, ठीक है। और इसके साथ जो है क्या क्या शक्तियाँ दी गई थी। एक शक्ति ये थी कि जो कॉर्नवालिस था वो किन्हीं यानी कि कुछ विषयों पे जो है जो परिषद जो बात को सुझाती थी उसको मानने से इनकार कर सकता था। कुछ विषय ऐसे थे जिनमें परिषद द्वारा दी गई सलाह को लॉर्ड कॉर्नवालिस माने या ना माने, ठीक है, उस पर जो है संतर्क था। दूसरी बात क्या थी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वो क्या है, वो सेना का प्रमुख और कमांडर इन चीफ बना दिया गया था, ठीक है, जो भारत में
ब्रिटिश की गवर्नर, ब्रिटिश कंपनी की जो है सेना थी उसका कमांडर इन चीफ और सेना प्रमुख, ठीक है, या तो हम कमांडर इन चीफ कह सकते हैं या फिर सेना प्रमुख जो है बना दिया गया था। इसके साथ एक मुख्य बात ये थी कि जो कॉर्नवालिस था वो कॉर्नवालिस सेना का प्रमुख कमांडर चीफ, ये एक ही बात है, ठीक है, ये बना दिया गया था। नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है 1793 का जो है चार्टर एक्ट आया था, यानी कि 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में मुख्य रूप से दो ही बातें का जिक्र किया गया था, एक तो जो है जो ब्रिटिश का व्यापार करने का एकाधिकार था उसको जो है 20 वर्ष के लिए, ब्रिटिश के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है, जो कंपनी का व्यापार करने चाहे वो चाय का व्यापार हो या चीन के साथ व्यापार हो या कोई भी व्यापार, एक ही कंपनी जो है व्यापार कर सकती थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसके एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। और इसमें मुख्य बात क्या थी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे और जो उच्च अधिकारी थे उनका वेतन जो है भारतीय जो राजस्व उत्पन्न होता था उस पर उससे ही दिया जाने लगा था। इससे पहले जो है इनका जो कर्मचारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उनका जो वेतन वो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में ही दिया जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ जो भारतीय राजस्व था उससे ही इनका क्या है वेतन दिया जाने लगा था, ठीक है, किसका किसका, कंपनी के कर्मचारी और उच्च अधिकारी, इन दोनों का वेतन जो है भारत के राजकोष से ही दिया जाने लगा था। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद 1813 का चार्टर एक्ट जो है आया। 1813 का चार्टर एक्ट में क्या, देखो 20 वर्ष के बाद आया है, और एक मुख्य बात यह है कि जो चार्टर एक्ट है उसमें कंपनी के शासन को जो है जो एकाधिकार है उसको बढ़ाने के लिए ही मुख्य रूप से लाया जाता था, तो इसमें कंपनी के कालखंड को जो है बढ़ाते बढ़ाते ही इसमें सभी में दिया गया है। तो जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें भी मुख्य रूप से क्या है कि कंपनी का जो एकाधिकार है वो 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, परंतु इसमें कुछ बात ये है कि जो ब्रिटिश कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था किस पे, जो भारत के साथ एक व्यापार में एकाधिकार था वो जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, जो व्यापार का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर जो है अन्य सभी व्यापारों में जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी जो भारत में आकर व्यापार कर सकता था। इसके साथ ही क्या हुआ था कि जो ईसाई मशीनरी थी उसको जो है भारत में धर्म के जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार करने की जो अनुमति प्रदान कर दी गई थी। इसके साथ ही जो पश्चिमी शिक्षा थी यानी कि इंग्लिश में जो शिक्षा दी जाती थी उसको बढ़ावा देने देने का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया था। साथ में इसके अंदर एक खतरनाक सा प्रावधान किया गया था कि जो व्यक्ति यदि कर ना दे, जो व्यक्ति कर ना दे उसको दंड दिया जा सकता था। इस एक्ट के द्वारा एक मुख्य रूप से एक क्रूर जो व्यवस्था ये लाई गई थी, यदि कोई कर ना दे, कोई किसान हो, कोई इंडियन है, यदि वह कर नहीं देता तो उसको दंड देने की व्यवस्था जो है स्थापित कर दी गई थी। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि दंड दिया जाए। 1813 के चार्टर एक्ट के 20 वर्ष बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा मुख्य रूप से क्या क्या बातें हुई, एक तो बात ये हुई कि जो है कंपनी का जो एकाधिकार है उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था, चाहे वो चीन के साथ व्यापार करना हो चाहे वो जो है चाय का व्यापार हो, इसके कंपनी के एकाधिकार को यहाँ भी समाप्त कर दिया गया था। और एक मुख्य रूप से बात क्या हुई थी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको जो है भारत का अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसमें मुख्य रूप से क्या बातें थी, एक तो ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम, ये एक मुख्य क्वेश्चन है इसके अंदर जो है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
नेक्स्ट इसके अंदर क्या था कि जो सभी व्यापारी एकाधिकार है, चाहे वो चीन के साथ व्यापार हो, चाहे वो है चाय के साथ व्यापार हो, इसको भी जो है समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी सिर्फ राजनीतिक एवं प्रशासनिक, देखो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो अब कोई कंपटीशन जो नहीं था, अब वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो अब कंपनी क्या करने लगी, जो सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई बन गई थी, यानी कि सिर्फ राजनीतिक ही कंपनी करती थी, यानी कि सरकार ही चलाती थी और प्रशासन करती थी, इसके अलावा व्यापार का जो व्यापार करती थी वो समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ एक मुख्य बात क्या थी कि जो सिविल सेवाएं थी उनके चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जो है आयोजन करना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, एक मुख्य बात ये थी कि जो सिविल सर्विस थे उसके लिए पहले क्या था, सिविल सर्विस का जो खुली प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती थी, वो जो है एक पद के हिसाब से ही आगे बढ़ते थे, लेकिन अब जो खुली प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा ही सिविल सर्विसों का चयन होना शुरू हो गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो है 1853 का चार्टर एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में मुख्य रूप से दो तीन बातें ही थी। पहली क्या थी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उस परिषद को जो है विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके भी काम थे, उसके अंदर जो है विधायी जो काम थे और जो प्रशासनिक काम थे उन दोनों को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, उन दोनों को अलग कर दिया गया था। एक मुख्य रूप से बात ये इसके अंदर थी। दूसरी बात क्या थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उनका भी गठन कर दिया गया था। ठीक है, अब जो है पहले एक ही परिषद होती थी, अब जो है केंद्रीय परिषद यानी कि जो पूरे भारत पे जो है कार्य करेगी उसका निर्माण कर दिया गया था, उसका गठन कर दिया गया था। और साथ में 1853 में क्या कर दिया गया था, जो सिविल सेवा की परीक्षा थी उनका जो है जो खुली परीक्षा थी उनका आयोजन करना शुरू हो गया था। ठीक है, 1853 में जो है सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जो चयन प्रक्रिया थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। जो देखो 1833 में जो प्रावधान आया था कि ऐसे परीक्षा आयोजन करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है, और 1853 में जो है ये परीक्षाएं शुरू हो गई थी। इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। देखो यहाँ से जो है राजा का शासन जो है शुरू हो गया था, ब्रिटिश क्राउन का जो रूल था वो, जो भारत का गवर्नेंस था वो जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। और 1858 का एक्ट जो है वो भी इसीलिए ही लाया गया था कि जो भारत में कंपनी का अंत कर दिया गया था और जो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया उसका शासन शुरू हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया था। इसके साथ ही क्या हुआ था, भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदल दिया गया था और उसको क्या कर दिया गया था, भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। और इसी के साथ जो पहले वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिन को जो है भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। सेकंड बात इसके अंदर क्या आई थी कि जो नियंत्रण बोर्ड था और जो निदेशक बोर्ड था जो द्वैध शासन चली आ रही थी उसका अंत कर दिया गया था। निर्देशक बोर्ड और निर्देशक नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को जो है समाप्त कर दिया गया था। इट मीन्स क्या कर दिया गया था, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। एक बात ये थी, इसका समाप्त होने के बाद जो है इंग्लैंड में एक भारत का सचिव नाम का पद का जो है सृजन किया गया था, मतलब बनाया गया था। और ये जो सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, उसको जो है भारत का सचिव कहा जाता था, उसका चयन किया जाता था। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्या है, जो सचिव था उसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्य एक परिषद का गठन किया गया था, 15 सदस्य एक परिषद का गठन किया गया था सचिव की सहायता के लिए। और ये जो परिषद थी यह एक सलाहकारी परिषद थी, जो इंग्लैंड में जो बनाई गई थी ब्रिटेन में, वो एक सलाहकारी परिषद थी। और जो
सचिव थे उनकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। भारत हो या इंग्लैंड हो, ठीक है, दोनों में जो है जो ये परिषद थी इस पे मुकदमा चलाया जा सकता था, चाहे वो मुकदमा भारत में हो चाहे वो इंग्लैंड में, कहीं भी जो है ईच के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम में देखो, परिषद अधिनियम में जो परिषद थी मुख्य रूप से, जो केंद्रीय परिषद जो 1858 में स्थापित की गई थी, गठन किया गया था, उस परिषद में जो है परिवर्तन करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए ही जो भी परिषद अधिनियम हो, चाहे वो 1861 का परिषद अधिनियम हो, 1852 का परिषद अधिनियम हो, 1909 का परिषद अधिनियम हो, ये तीन परिषद अधिनियम लाए गए थे। ये तीनों परिषद अधिनियम इसलिए लाए गए थे ताकि जो परिषद है, जो केंद्रीय परिषद है या जो राज्य क्षेत्रीय परिषद है, उसको जो है सुधारा जा सके, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा सके ताकि वो बेहतर कार्य कर सके। तो इसी के साथ 1858 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जो है विधान परिषद में तीन सदस्यों को जो है, जो सरकारी सदस्य नहीं थे उनको जो है ऐड किया, तीन सदस्यों को जो इस परिषद में, केंद्रीय परिषद में मनोनीत किया या फिर ऐड किया, ठीक है, शामिल किया। उनमें कौन कौन थे? एक तो था बनारस का राजा, पटियाला का महाराज और सर दिनकर राव, ठीक है, इन तीनों को जो है भारतीय परिषद में, जो केंद्रीय परिषद थी उसमें ऐड किया था। ये तीन भारतीय इसके अंदर शामिल हुए थे पहली बार, जो है लॉर्ड कैनिन के द्वारा जो है 1862 में किया गया था, शामिल किया गया था। इसके साथ क्या हुआ था कि जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें जो है विधायी शक्तियों को पुनः दे दिया गया था, ठीक है, मतलब कि स्वतंत्र कर दी गई थी, किसे, जो जो गवर्नर है, जो वाइस राय है, उसकी परिषद से जो है इन दोनों को आज़ाद कर दिया गया था, ठीक है, विकेंद्री कर दिया गया था, शक्ति का पृथक्करण कर दिया गया था, इन्हें भी कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इसी के साथ इसमें और क्या हुआ था कि जो बंगाल में जो है 1862 के अंदर, और जो सीमा प्रांत है उसमें 1866 के अंदर, और पंजाब में 1897 के अंदर तीन नई विधान परिषदों का जो है गठन किया गया था, तीन नई विधान परिषदों का गठन किया गया था। बंगाल में 1862 में किया, उत्तरी सीमा प्रांत में 1866 में किया, और पंजाब में जो 1897 में किया था। इन तीनों विधान परिषदों का गठन किया गया किया था 1862 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। एक इसमें क्या मुख्य रूप से क्या बात आई थी कि जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी, और जो भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो यहीं से ली गई 1862 के परिषद अधिनियम से। तो ये एक मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुख्य रूप से। तो जो वायसराय था उसको जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ से मिल गई थी। इसके बाद 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद 1892 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है पारित किया गया, लाया गया, और इसमें मुख्य रूप से दो ही बातें थी। एक तो थी कि जो केंद्रीय परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें जो है गैर जो सरकारी सदस्य यानी कि जो भारतीय थे उनकी संख्या को जो है बढ़ा दिया गया था। एक मुख्य रूप से क्या बात हुई थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके अंदर जो गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके साथ ही दूसरी बात क्या थी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। बहस पर जो बजट पर बहस करने का अधिकार, इट मीन्स कि जो पहले सदस्य थे वो बजट पर कोई सलाह नहीं दे सकते थे कि उसमें कोई परिवर्तन करना है या उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो ये अधिकार जो है पहले नहीं था किसको, भारतीय को, जो भारतीय सदस्य थे उनको जो है ये अधिकार प्राप्त नहीं था। बट 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसके बाद जो है जो बजट पर बहस करने का अधिकार जो है भारतीय सदस्यों को, जो केंद्रीय विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य थे उनको जो है मिल गया था। तो ये जो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है ये मुख्य रूप से भारतीयों के लिए बहुत अच्छा था, भारत के प्रशासन के लिए, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो भारतीयों का जो है
भर्तियों की संख्या जो है, यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, और उनको जो है गैर सरकारी सदस्यों को यानी कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का वो अधिकार जो है प्राप्त हो गया था। इसके बाद जो है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, देखो परिषद अधिनियम में भी, परिषद अधिनियम में सब परिषद से ही संबंधित तथ्य इसमें मिलेंगे। और जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो मार्ले थे वो थे भारत के क्या नाम है, राज्य सचिव, ठीक है, जो इंग्लैंड के अंदर सचिव थे वो थे मार्ले, और जो मिंटो थे वो थे वायसराय। और मिंटो का जो काल है 1905 से 1910 के बीच में, तो इन्हीं के अधीन जो है ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। इसके साथ इसमें मुख्य बात क्या थी कि जो मुस्लिम थे उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल का जो है प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसमें क्या क्या था, मुस्लिम के लिए प्रथम यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की प्रक्रिया स्थापित कर दी गई थी, उनको अलग उनका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। तो ये मुख्य रूप से भारत में धर्म के आधार पर बांटने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया था इसके जरिए, ताकि मुस्लिम और हिंदुओं में एकता ना रहे। इसके साथ इसमें मुख्य रूप से और क्या बात थी कि जो विधान परिषद है उसका आकार बढ़ा दिया गया था। उसका आधार कितना बढ़ा दिया गया था कि पहले उसके अंदर 16 सदस्य थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 60 सदस्य कर दी गई थी। जो केंद्रीय परिषद थी भारत की, उसमें जो सदस्य थे वो 16 होते थे, और उन 16 की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया था, ठीक है, 16 से 60 कर दिया गया था। उसके साथ ही जो विधान परिषद कार्य है उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया था, ठीक है। दायरा बढ़ाने का मतलब क्या है कि उस जो भारतीय परिषद केंद्रीय परिषद थी उसके दायरे में बहुत से क्षेत्रों को ला दिया गया था, और जो विधान परिषद है वो उन पर भी कानून बना सकती थी। इसके साथ ही जो भारतीय थे उनको क्या है, वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसके अंदर और क्या बात की गई थी कि जो भारतीय वायसराय है, ठीक है, उनकी परिषद के साथ जो है एसोसिएट कर सकते थे, जो भारतीय थे वो कार्य परिषद के साथ एसोसिएट यानी कि जोड़ सकते थे। इसके साथ जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, और 1919 के भारत सरकार अधिनियम में देखो 1919 का भारत सरकार जो अधिनियम है इसको मोंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि मोंटिग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो हमें याद रखना है कि जो मोंटिग्यू थे, एक मिनट, जो मोंटिग्यू थे वो थे सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो जो है भारत के वायसराय थे 1919 में। और जो चेम्सफोर्ड थे इन्हें के अंतर्गत ही जो है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर मुख्य रूप से और क्या बातें थी कि जो लोक सेवा आयोग था, जो सिविल सर्विस का एग्जाम लेता था, परीक्षा आयोजित करता था, उसकी स्थापना जो है भारत में करने का प्रावधान था, ठीक है। और जो ये लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 1926 में जो लॉर्ड रीडिंग थे उनके समय इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका प्रावधान जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। तो इस पे भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही क्या किया था कि जो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव था वो आरंभ कर दिया गया था। पहले जो प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ नहीं होते थे, जो विधान परिषद के सदस्य थे वो ही शासन करते थे, लेकिन अब से क्या कर दिया गया था, 1919 के बाद जो है भारत में प्रत्यक्ष चुनाव जो आरंभ कर दिए गए थे। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब कोई भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हो सकता था और चुनाव लड़ सकता था, पहले ऐसा नहीं था। इसके साथ क्या था कि जो वायसराय की कार्य परिषद थी उसकी जो सदस्य थे, जो वायसराय की कार्य परिषद के जो 6 सदस्य थे उसमें जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया गया था। इट मीन्स कि भारतीयों को 50-50 का जो है शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। क्या हो गया था कि जो
कमांडर इन चीफ है यानी कि जो वायसराय है उसको छोड़कर जो 6 सदस्य की परिषद होती थी उसमें जो है 3 को जो है भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कि 3 सदस्यों को भारत से होना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसके अंतर्गत क्या था कि जो द्वैत शासन थी, द्वैत शासन उसको जो है स्टार्ट कर दिया गया था, द्वैत शासन को जो है शुरू कर दिया गया था। द्वैत शासन का मतलब कि जो केंद्रीय परिषद और जो राज्य परिषद है वो दोनों अलग अलग रूप से सरकार का निर्माण कर सकती थी और शासन कर सकती थी। इसके अंदर 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम इसके अंतर्गत ही यह किया गया था। एक इसमें क्या किया गया था कि जो सांप्रदायिक के आधार पर जो है सिख ईसाई और जो अंग्ला भारतीय यूरोपीय थे उनका निर्वाचन जो पृथक कर दिया गया था। इट मीन्स उनके जो जो चुनाव थे वो अलग कर दिए गए थे, जो नेता थे उनके अलग खड़े होते थे, उनके अलग ही वोट डलते थे। ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या है कि जो प्रांतीय विषय थे उन्हें पुनः 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है। एक तो थे हस्तांतरित विषय और एक थे आरक्षित। आरक्षित विषय वो होते थे जिन पे जो वायसराय था वो कार्य करता था या कानून बना सकता था, और हस्तांतरित थे वे विषय जिन पर जो केंद्रीय परिषद या राज्य परिषद है वो कार्य करती थी। ठीक है। वो विषय वो कानून बना सकती थी। इसके बाद आखिरी जो भारत का सरकार अधिनियम का जो एक्ट आया था वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें क्या थी कि जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी उसमें क्या है राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। ठीक है। यानी कि जो भारतीय संघ है कंप्लीट उसके अंदर जो रियासतें थी वो ऐसा नहीं था कि वो अलग थी, वो भी भारतीय संघ के अंतर्गत ही आती थी। और जो राज्य थे जिसमें ब्रिटिश का शासन था वो राज्य भी जो है भारत संघ के अंतर्गत आते थे। ठीक है। नेक्स्ट इसी अंतर्गत क्या थी कि जो द्वैत शासन थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी कि जो राज्य की जो और केंद्रीय विधान परिषद थी और राज्य विधान परिषद थी दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया था। अब जो है चुनाव के द्वारा ही सरकारें तय होने लग गई थी। नेक्स्ट और क्या है इसमें कि इसने जो केंद्र में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसका आरंभ कर दिया गया था। देखो केंद्र में भी जैसे अब हमारे यहाँ होता है कि एक तो होती है जैसे कि लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, तो ये द्वैत प्रणाली थी, तो ये द्वैत प्रणाली जो है केंद्र में भी जो है शुरू कर दी गई थी। केंद्र में भी जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आरंभ कर दी गई थी, शुरू कर दी गई थी। और इसमें मुख्य बात क्या है कि इसमें जो 11 राज्य थे ठीक है उनमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था जो है आरंभ कर दी गई थी। ठीक है। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ कर दी गई थी कि राज्यों में भी ऐसे ही जैसे कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत होता है कि राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा दो मंडल जो है या 2 सभाएं जो है शासन करती है इसी को ही द्वैत शासन कहते हैं। और यही जो भारत के 11 राज्य थे उन 11 राज्य में से 6 राज्यों में जो है इस व्यवस्था को शुरू कर दिया था। देखो 1935 के द्वारा क्या क्या मुख्य रूप से क्या बात हुई थी। एक तो द्वैत शासन सेंटर में भी स्टार्ट हो गया था, एक द्वैत शासन जो है राज्य में स्टार्ट हो गया था, और एक द्वैत शासन समाप्त हो गया था। ठीक है। जो द्वैत शासन समाप्त हो गया था वो था कि केंद्र जो प्रणाली थी और राज्य प्रणाली थी जो अलग अलग जो है शासन करती थी उनको समाप्त कर दिया गया था। और अब केंद्र में भी द्वैत शासन स्टार्ट यानी कि केंद्र में भी दो ऐसी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई थी जो शासन करती थी, और राज्य में भी ऐसी व्यवस्था थी जो शासन करती थी। तो इसी के साथ द्वैत शासन यहाँ समाप्ति भी है और शुरू भी हुआ है 1935 के एक्ट के द्वारा जो है इन बातों का सृजन किया गया। तो ये थी मुख्य रूप से जो अधिनियम जो भारत के एक्ट जो लाए गए थे जिनके द्वारा देखो इन्हीं में से ही कुछ जैसे 1935 है, 1935 में जो बहुत सी बातें ऐसी है जो है भारत के जो संविधान है उसके सीधे तौर पर जो है भारत के संविधान में से
1935 के जो भारतीय भारत सरकार अधिनियम है उसके अधिनियमों को जो है सीधे तौर पर भारत के संविधान में शामिल किया गया। और जो पीछे भी थे बहुत से ऐसे पॉइंट थे जिनको जो है भारत के जो है